पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र थाना सेक्टर एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरी और घरों में हो रही चोरियों और मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, एक फ्रिज, एक LCD, एक होम थिएटर, 18 एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहिर ने बताया कि थाना क्षेत्र में आए दिन मोटरसाइकिलें, मोटर और घरों में चोरी की शिकायतें मिल रही थी। फरियादियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी OP अहिर द्वारा थाने से टीम बनाकर कस्बा क्षेत्र में चोरों की धरपकड़ के लिए रवाना किया गया। मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपी विजय, जयदीप, नीलेश को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल और घरेलू सामान जब्त किया गया है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये हमने करीबन 7-8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में नकबजनी वगैरह मोबाइल छीनने की घटनाएं हो रही थी और कुछ मोटरसाइकिल चोरी की भी घटनाएं हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह साहब के निर्देशन में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर KK परिहार और उनके साथ में कुछ लड़के हमने सिविल में लगाए थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम करते हुए 7 आदमी पकड़े हैं, जिनसे हमने चोरी के मोबाइल भी जब्त किए हैं और जो नकबजनी का जो भी सामान था वो जब्त किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से हमने करीबन 2 मोटरसाइकिल, एक फ्रिज, एक LCD, एक होम थिएटर और 18 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीबन 6 लाख रुपए के आसपास है। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले और पूर्व में कोई इनका प्रकरण दर्ज है? ये लोकल के भी हैं कुछ आरोपी और कुछ इनके मूल निवास बाहर के भी हैं और इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिन्हें हम संलग्न करके न्यायालय भेजा जाएगा। सर, आपका नाम? OP अहिर, TI सेक्टर 1, पीतमपुर। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।